रिपन ट्रिप की इस कर्दू सीरीज़ में आज हम जा रहे हैं मंटोखा आबशार, जिसे पाकिस्तान की सबसे बड़ी आबशार होने का एहसास भी हासिल है। Driving by the fields I used to run through, where you were chasing me. We were riding out under the bleachers when no one could see. हमारा सफर स्कर्दू शहर से शुरू हो रहा है। मंटोखा आबशार का पॉइंट एक प्योर फैमिली पिकनिक स्पॉट है। यहाँ तक जाने वाली सड़क भी बेहतरीन है और सफ़र का दुरानिया भी बहुत ज़्यादा नहीं, और आबशार तक रसाई भी नहायत आसान है। इसके लिए आपको कोई ट्रैक नहीं करना पड़ता। यहाँ बच्चे और बूढ़े सभी आ सकते हैं, और अब ये स्कर्दू रीजन में कचोरा के बाद एक मसरूफ तरीन पिकनिक स्पॉट बन गया है। अगर आप सुबह जल्दी निकलें तो खामोश आबशार को भी सफ़र का हिस्सा बना सकते हैं, क्योंकि खामोश आबशार को जाने वाला रास्ता भी यही है जिस पर हम इस वक्त सफ़र कर रहे हैं। ये दोनों आबशारें ज़िला खरमंग में वाक़िया हैं। खामोश जाने के लिए आप मंटोखा वाले कट से मज़ीद एक घंटा आगे सफ़र करें तो आप ईज़िली खामोश आबशार पहुँच जाएँगे। लेकिन अगर कंपैरिजन में फैसिलिटीज़ की बात करें तो मंटोखा ही बेस्ट है। ये बात मैं एक फैमिली को लेके कर रहा हूँ। यहाँ रात रुकने के लिए होटल, टेंट, जबकि बेहतरीन रेस्टोरेंट और बाकी तमाम फैसिलिटीज़ भी मौजूद हैं। इस आबशार पर मैं अनगिनत दफ़ा आ चुका हूँ, क्योंकि स्कर्दू ट्रिप में हर फैमिली यहाँ ज़रूर आना चाहती है। यहाँ आप हर किस्म की गाड़ी पर आ सकते हैं, इसके लिए 4x4 ज़रूरी नहीं। आबशार से चंद किलोमीटर पहले एक एंट्री स्पॉट आता है जहां आपको अपना इंदराज कराना होता है, इसलिए अपना शनाख्ती कार्ड लाजमी अपने साथ रखें। मेरा मकसद आपका मज़ा किरकिरा करना नहीं है, लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि मंटोखा वाटरफॉल है जो वो आर्टिफिशियल है, नेचुरल नहीं है। ये
काफ़ी लोगों को नहीं आइडिया इस चीज़ का, मुझे भी रिसेंटली पता चला कि 2-3 साल पहले। ये आर्टिफिशियल है लेकिन इसके साथ जो चश्मे आ रहे हैं पीछे से उसका पानी इतना क्रिस्टल क्लियर है, और वैली खाकी रंग के पहाड़ हैं बिल्कुल, बीच में लश वैली है, घास है, दरख्त लगे हुए हैं, और साथ में इतना साफ़ सुथरा पानी गुजर रहा है, माशाल्लाह क्या बात है। मंटोखा में रात रुकने के लिए कैंपिंग की सहूलत भी है और बड़े लग्जरी रिजॉर्ट भी बने हुए हैं, ट्री हाउस जिनको कहते हैं। 15,000 रुपये इनकी बुकिंग है आजकल, वैसे 10,000 रुपये मुझे वो बता रहे थे कि 10,000 रुपये चार्जिंग है। और यहाँ पे अब काफ़ी डेवलपमेंट हो गई है, यहाँ पे अच्छे वॉशरूम भी बन गए हैं और कैंटीन तो यहाँ पर शुरू से ही मौजूद है। और अभी यहाँ के जो लोग हैं उनकी ज़्यादातर जो है प्रोड्यूस वो फसलें हैं, सेब, चेरी और खुबानी यहाँ पर होती है। अगर आप खुबानी के सीज़न में हैं तो पूरी सड़क पर आपको खुबानियाँ नज़र आती हैं जो ड्राई करने के लिए रखी होती हैं। वैसे ये लोग ज़्यादातर सेब, चेरी और खुबानी ही बेचते हैं, इसके अलावा अपने माल मवेशी होते हैं और सर्दियां उन्हीं पे गुजारते हैं, अपने चारे को स्टोर कर लेते हैं, खानों को स्टोर कर लेते हैं, खुबानी को स्टोर कर लेते हैं। तो ज़्यादातर लोग जो हैं वो यही करते हैं, और कुछ लोग हैं जो इस्लामाबाद, लाहौर, कराची जैसे शहरों में जाके मेहनत मजदूरी करते हैं, और वो लोग गर्मियों में वापस आ जाते हैं। गर्मियों में यहाँ पर आके टूरिज़म का क्योंकि सीज़न होता है, कईयों के होटल होते हैं, कई सर्विसज़ में इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो 6 से 7 महीने वो यहीं पर रहते हैं, जबकि सर्दियों के जो प्रॉपर 4 से 5 महीने होते हैं वो शहरों में गुजारते हैं। जी तो अभी मैं जा रहा हूँ जो जहाँ से पानी आ रहा है वो मैंने एरिया तकरीबन आधा घंटा गया हूँ आगे वो कवर किया है, बहुत ही खूबसूरत पॉइंट से रास्ते में। और अब मैं जाऊँगा लेफ्ट साइड पे जहाँ पे आबशार का पानी मिल रहा है, जो पानी सड़क की तरफ जा रहा है तो वहाँ पे चलते हैं। वैसे ही आगे जाके सड़क के करीब इंडस रिवर में गिर जाता पानी, तो अब इस साइड पर चलते हैं कि यहाँ पर कौन से नज़ारे नज़र आते हैं। अब्दुलरहमान साहब के शूट चल रहे हैं, ये देखें पीछे ऑरेंज शर्ट में खड़ा हुआ है और पिछले 10 मिनट से वेट कर रहा है कि एलो पीछे होने से मेरी तस्वीर सही आवे, लेकिन मैंने बड़े अच्छे टाइम पे बनवा ली थी, तब यहाँ पे कोई भी नहीं था, मैंने आते ही बनवा ली थी। अभी इनके अभी 2 तस्वीरें, मैं कह रहा यार फटाफट करो रोटी खानी भूख लगी है। अच्छा यहाँ पर इन्होंने डक्स रखी हुई है, ये बहुत खूबसूरत लगती हैं और ये हर वक्त शोर मचाती फिरती रहती हैं और लोगों से चीज़ें भी खाती रहती हैं। माशाल्लाह ये अच्छा एलिमेंट है, इनको देख के इस ये जो साथ साथ नदी नाले हैं इनमें ही अच्छी लगती है तैरते भी, हमने इनके भी कुछ शॉट्स बनाए हैं।
लगाऊं। उस पहाड़ की ऊंचाई में एक तो कोई नहीं जा सके, पानी तो कुछ मिलना कुछ नहीं। जी अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा ही मज़े का खाना हमें मिला, और ये देखें अभी तक पीछे लगे हुए हैं खाना खाने। खैर मेरी स्पीड ज़्यादा इसकी है, खाया मैंने ज़्यादा ही इनसे। तो अब जैसे जैसे ऐसा शाम होती जाती है ना, पता नहीं क्या चक्कर है, ये जो आबशार है इसका पानी कम होता जाता है। 5:30 हो गए हैं और हमने वापसी के लिए निकलना है, और वापस हमने जाना है फपलू, तो तकरीबन 2.5 घंटे का रास्ता है। तो बस कोशिश करेंगे कि लाइट में जितना ट्रैवल कर सकें करें, कोई अनड्यू स्टॉप ना करें। तो मंटोका वाटरफॉल का ये एपिसोड आपको कैसा लगा मुझे फीडबैक कीजिएगा। नॉर्मली लोग सिर्फ इसी को देखते हैं और यहीं से वापस चले जाते हैं। लेफ्ट साइड से जो नाला आ रहा है, अगर आप उसके साथ ट्रैवल करें तो आपको ये बड़ा ही ज़बरदस्त व्यू देता है। तो मेरे एपिसोड के बारे में मुझे फीडबैक कीजिएगा और कमेंट करके मुझे बताइएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। अगर आप कश्मीर का नहायत खूबसूरत पिकनिक स्पॉट देखना चाहते हैं जहां जाना भी नहायत आसान है, तो यहां क्लिक करें। और अगर सफ़र देखना चाहते हैं पाकिस्तान की खूबसूरत तरीन सड़क का, तो यहां क्लिक करें। ग्रिप ऑन ट्रिप पे मेरे साथ रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।